आज सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे तो कल 100 पॉइंट ऊपर, कभी निफ्टी 50 पॉइंट नीचे तो किसी दिन ऊपर, हर रोज ये सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कई बार आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी दर्शाते क्या है, ये कैसे बने हुए हैं और ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं, क्यों, क्या वो रीजन है कि ये रोज फ्लक्चुएट होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सब कुछ, कि इनके डेली मूवमेंट्स क्यों होते हैं और आपको उन्हें कैसे इंटरप्रेट करना है ताकि आप इनके मूवमेंट के बेसिस पे बेटर डिसीजंस ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज हम जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी का पूरा सच फिनोलॉजी में। तो दिन भर ना जाने कितने ही बिजनेस न्यूज चैनल्स सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव को रियल टाइम लाइव रिपोर्ट करते रहते हैं, जैसे दुनिया की सबसे जरूरी चीज यही हो गई और सेंसेक्स अगर 200 पॉइंट गिर जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी है क्या। देखिए, चुनाव में हम सब देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल्स आते हैं, रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल्स आते हैं। तो ये एग्जिट पोल क्यों आते हैं, इसका सिंपल सा रीजन है ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि ये इलेक्शन किस तरफ जाने वाला है। लेकिन हमेशा एग्जिट पोल सही हो ऐसा जरूरी नहीं, ज्यादातर समय 60-70% ऑफ द टाइम्स एग्जिट पोल सही होते हैं, लेकिन वो हर बार सही नहीं होते। क्यों सही नहीं होते, क्योंकि एग्जिट पोल में अगर लाखों वोटर्स हैं तो उनमें से कुछ हजार लोगों से पूछा जाता है, एक छोटे से सैंपल से पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, और उस सैंपल के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों लोगों ने किसे वोट दिया होगा। तो कई बार वो सैंपल लाखों लोगों के ओपिनियन को सही नहीं बता पाता, कभी कभी बता भी देता है। तो स्टॉक मार्केट में, भारतीय स्टॉक मार्केट में 3,500-4,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब उन 4,000 कंपनियों का रोज आप प्राइस तो देख नहीं सकते, लेकिन आपको एक जनरल अंदाजा चाहिए कि आज मार्केट कहाँ जा रहा है, ज्यादातर कंपनियां आज बढ़ रही हैं या आज गिर रही हैं, मार्केट का सेंटिमेंट या डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी एक तरह का एग्जिट पोल है जो एक छोटे सैंपल साइज से ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। वो 30 कंपनियों के डायरेक्शन से सेंसेक्स आपको एक जनरल ओपिनियन देता है कि आज मार्केट बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। वैसे ही निफ्टी 50 कंपनियों के एक छोटे से सैंपल से आपको मार्केट मूवमेंट का ओपिनियन देता है। ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि ये 50 कंपनियां जहां जा रही हैं, क्योंकि ये 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो निफ्टी में हैं, वही पूरा मार्केट जाता है। 60-70% बार ऐसा ही होता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सेंसेक्स या निफ्टी पे आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, वो बस एक आपका टाइम बचाने के लिए, एक जनरल शॉर्ट टाइम में आइडिया देने के लिए बना हुआ इंडेक्स है। तो अब जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी बनता कैसे है। देखिए, सेंसेक्स में है 30 बड़ी कंपनियां, निफ्टी में है 50 बड़ी कंपनियां। हम सेंसेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियां हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। यानी कि पहले हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी के एक शेयर का दाम कितना है। जैसे कंपनी के एक शेयर का दाम है 20 रुपये और उस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। तो जैसे किसी कंपनी के अगर 5 शेयर्स हैं और एक कंपनी के शेयर का दाम है 20 रुपये, तो प्राइस ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 5 × 20 इस केस में हो गया 100 रुपये। तो ये 100 रुपये उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ। लेकिन सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपनियां सेंसेक्स में इंक्लूड नहीं होती, सेंसेक्स में इंक्लूड होती हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। अब फ्री फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट यानी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ओनर्स के शेयर्स को हटा के बचता है। जैसे किसी कंपनी के 5 शेयर हैं जिसमें से 3 शेयर कंपनी के ओनर्स के पास ही हैं, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए कभी उन शेयर्स को बाजार में उतारा ही नहीं, तो वो 3 शेयर जो कंपनी के ओनर के पास ही हैं वो माइनस हो जाएंगे। यानी अब इसी कंपनी के जिसके 5 शेयर हैं और 20 रुपये का एक शेयर है, उसमें से अगर 3 ओनर के पास ही हैं, तो इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन काउंट होगा 2 शेयर्स जो पब्लिक के पास हैं इंटू 20 रुपये, यानी 40 रुपये। तो सेंसेक्स में वो 30 कंपनियां हैं
जिनका भारत में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। ऐसी 30 कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स से मिलके ये आती हैं। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का, बैंक्स का, NBFCs का, इस तरह की कंपनियों का। IT का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो अलग अलग सेक्टर्स से मिलके जो 30 बड़ी कंपनियां हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो सेंसेक्स का हिस्सा होती हैं। और वो जितना ऊपर नीचे होती हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आज सेंसेक्स कितना ऊपर नीचे हो रहा है। उसी तरह NSE में निफ्टी जो है उसमें 50 इस तरह की कंपनी चुनी जाती है, 50 बड़ी कंपनियां फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो फर्क यही है कि एक में 30 कंपनियां हैं, एक में 50 कंपनियां हैं, और इसीलिए हर बार ये दोनों इंडेक्स सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ते। कभी सेंसेक्स 1% ऊपर रहता है तो निफ्टी आधा परसेंट ही ऊपर रहता है, क्योंकि उसमें 20 कंपनियां ज़्यादा हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। नो डाउट कि इंडेक्स सेंसेक्स या निफ्टी हमारा बहुत टाइम बचाता है और हमें एक सेकंड में पता चल जाता है कि मार्केट का आज मूड कैसा है। खास करके जब सेंसेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हो या बहुत ज़्यादा गिरा हो तो हम श्योरली ये कह सकते हैं कि आज मार्केट का मूड खराब ही है। लेकिन इस पर पूरी तरीके से आँख बंद करके भरोसा करना भी सही नहीं है। इसकी दो लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन कि इनमें 30 सबसे बड़ी कंपनियां नहीं हैं, 30 सबसे बड़ी वो कंपनियां हैं जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। यानी इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मान लीजिए कंपनी ए है जो 1,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन उसमें से 750 करोड़ रुपए के शेयर्स ओनर के पास खुद ही हैं, यानी वो फ्री फ्लोट में काउंट नहीं होगा, सिर्फ 250 करोड़ ही फ्री फ्लोट में काउंट होगा। तो उस कंपनी को ये माना जाएगा कि ये 250 करोड़ की कंपनी है। और एक दूसरी कंपनी है जो 500 करोड़ की है, कंपनी बी, यानी कंपनी ए से वो आधी साइज की है, लेकिन इसमें 400 करोड़ के शेयर्स पब्लिक के पास हैं और केवल 100 करोड़ के शेयर्स ओनर के पास हैं। तो क्योंकि फ्री फ्लोट इसका 400 करोड़ रुपए का है तो इस कंपनी बी को कंपनी ए से बड़ा माना जाएगा और इंडेक्स में इसे ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। यानी कहने को ये कंपनी आधे साइज़ की है लेकिन सेंसेक्स में इसका वेटेज ज़्यादा होगा और इसके ऊपर या नीचे होने से सेंसेक्स ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। यानी ये हमें सही सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। सेकेंड प्रॉब्लम, सिर्फ 30 या 50 कंपनियों के सैम्पल साइज से हम 4,000 कंपनियों के मूवमेंट को, पूरे देश की बड़ी 4,000 कंपनियों के सेंटिमेंट को, मूवमेंट को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है कि किसी ऐसे स्कूल में जिसमें 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हों उसमें आप 30 टॉपर्स को इकट्ठा करो और वो 30 टॉपर्स अगले टेस्ट में जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपने पूरे 4,000 बच्चों का परफॉर्मेंस जज कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, कई बार गलत पिक्चर भी देगा। थर्ड प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सर्वाइवरशिप बायस आ जाता है। जैसे 30 कंपनियां जो आज सेंसेक्स में हैं, कल को वो अच्छा परफॉर्म ना करें तो सेंसेक्स थोड़े दिन तो गिरेगा, उसके बाद क्या होगा, इन 30 कंपनियों को हटा दिया जाएगा और 30 नई कंपनियों को ले आया जाएगा और फिर हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करें तो सेंसेक्स फिर से बढ़ने लगे। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंसेक्स में क्योंकि 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं तो वो तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं क्योंकि वो देश की बेस्ट और बिगेस्ट कंपनियां हैं, लेकिन उसके नीचे की कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और वहां रिटर्न नहीं मिल रहा। और जैसे ही कोई कंपनी सेंसेक्स में है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती या उसका शेयर प्राइस गिरता है, जैसे ही शेयर प्राइस गिरेगा तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी गिरेगा। तो वो जब गिरता है तो हर क्वार्टरली, हर 3 महीने में इसे रिव्यू किया जाता है। और अगर वो अब देश के 30 सबसे बड़ी कंपनियों में नहीं है क्योंकि इसका मार्केट कैप गिर गया है तो उसे हटा के एक नई कंपनी को ले आया जाएगा। यानी जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही वो सेंसेक्स से निकल जाती है, जो परफॉर्म कर रही है वो आ जाती है। तो हमेशा विनर्स को सेंसेक्स में रखा जाता है, जैसे ही वो थोड़ा बुरा हुए उन्हें निकाल के दूसरे विनर को ले आया जाता है। तो सेंसेक्स बहुत ही वैक्यूम में एक फिगर दिखाता है, वो सिर्फ यही बता रहा है एक तरीके से कि ये 30 कंपनियां आजकल अच्छा कर रही हैं, बाकी कंपनियां अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि जो अच्छा नहीं कर रही उसे तो आप हटा देते हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सेंसेक्स तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा। कई बार हमें ये लगता है कि सेंसेक्स क्यों बढ़ रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में तो रिटर्न नहीं आ रहा। ये इसीलिए होता है कि सेंसेक्स में तो है ही वो कंपनियां जो पिछले कुछ महीनों से अच्छा कर रही हैं और अभी देश की बड़ी कंपनियां हुई हुई हैं मार्केट कैप वाइज, जैसे ही शेयर गिरेगा उन्हें हटा दिया जाएगा। तो अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सेंसेक्स से कंपेयर ना करें क्योंकि सेंसेक्स में टेम्पररीली विनर्स आते रहते हैं। तो अब इससे अगला सवाल उठता है कि अगर ऐसा है कि सेंसेक्स में बेस्ट 30 परफॉर्मिंग कंपनियां जो बिगेस्ट हो गई हैं मार्केट कैप वाली वो हैं, तो क्या हमको भी उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स में पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो कंपनियां इंक्लूड होती हैं। यानी पिछले 3 महीनों में किन कंपनियों का शेयर बढ़ा और वो अब देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों में हो गई है, उनको सेंसेक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो जब तक, कई बार ऐसा होता है कि जब तक वो कंपनियां सेंसेक्स में इंक्लूड हुई और आपको पता चले कि अच्छा ये कंपनी अब सेंसेक्स में इंक्लूड हुई है तो मैं ले लेता हूँ,
तब तक वो कंपनी ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी रहती है, उसमें वैल्यू नहीं बचती, वो ओवर वैल्यूड हो गई रहती है। और ऐसे में अब अगर आप उस कंपनी में निवेश करेंगे तो आप काफ़ी महंगे में उस कंपनी को एंटर करेंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको विनर्स के पीछे पीछे नहीं भागना है, विनर को पहले ही आइडेंटिफाई करना है। जैसे रेस में आपको सही घोड़े पे रेस शुरू होने के पहले दाव लगाना है। रेस शुरू हो जाए और जो घोड़ा आगे है आप दौड़ के उसे पकड़ नहीं सकते। उसी तरह सेंसेक्स में कौन सी कंपनी अगले साल आ सकती है, कौन सी कंपनी अब देश की सबसे बड़ी 30 कंपनियों में शामिल हो सकती है, ऐसा अगर आप आज आइडेंटिफाई कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। एक बार वो सेंसेक्स में शामिल हो जाए फिर उसमें इन्वेस्ट करना, हर बार ये प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। और बेसिकली अगर आपको इस वीडियो से कोई एक चीज़ अपने साथ लेके जानी है तो वो ये कि अपनी पोर्टफोलियो को सेंसेक्स से हमेशा कंपेयर ना करें। आपकी पोर्टफोलियो अलग है, वो देश की टॉप 30 कंपनियों से नहीं बनी है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पिछले 2 साल में हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न ना मिला हो, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। आज नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद अगर आपकी पोर्टफोलियो में क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं तो डेफिनेटली आप सेंसेक्स को आउट परफॉर्म काफ़ी अच्छे मार्जिन से कर सकते हैं। तो अगर आप आज इस वीडियो के कारण सेंसेक्स और निफ्टी को समझ पाए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उनके मिसकंसेप्शंस भी दूर हों। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स इन डेप्थ में कंसेप्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को ऊपर दिए गए कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां हम 1 साल तक आपको सिखाएंगे एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर बनना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे कौन से फेवरेट स्टॉक्स हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया है अगले 2-3 साल के फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से और जहां आपको मिलेंगे बहुत यूनिक स्मॉल कैप मिड कैप और कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी जो अगले 2-3 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस आइडिया बैग को, जिसका लिंक भी आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।